दोस्तों वेलकम टू मीराज फूड करना। आज मैं गट्टे की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये गट्टे हैं, गट्टे कैसे बनाए जाएँ, कैसे स्टोर किया जाए, इसका वीडियो हमने चैनल पर पहले से ही डाल रखा है, वहाँ आप देख सकते हैं। और अब हम खौलते हुए पानी में से गट्टों को डालेंगे। हमने 8 से 10 गट्टे लिए हैं, ये 2 पर्सन्स के लिए है। अब इसे सॉफ्ट होने देंगे, हम ढक्कन लगा देते हैं जिससे कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम इसका मसाले के तैयार कर लेते हैं। मसाले में हमने लिया है 2 प्याज, इस तरह से हम बड़े बड़े टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। और एक बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, अदरक को हम छोटे छोटे पीसेज में कर लेते हैं जिससे कि इजीली पेस्ट बन जाए, नहीं तो थोड़े बहुत रह जाते हैं। और लहसुन भी हमने 8 से 10 कलियाँ ली हैं। और ये देखिए गट्टे भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसे हम छान लेते हैं। तो ये हमारे गट्टे भी छन चुके हैं। अब हम मसाले तैयार करेंगे। एक बड़ा चम्मच हम सरसों का तेल लिए हैं, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसमें हम प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को डालकर भूनेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जब भी आपके यहाँ अचानक मेहमान आ धमकें तो आप परेशान ना हो, तुरंत गट्टे निकालिए और फटाफट बना के उनको सर्व कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। तो अभी से हम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना छूटने लगे। अब ये टमाटर की प्योरी भी इसमें हम डाल देंगे। टमाटर भी है, हमने 1 से 1.5 टमाटर छोटा टमाटर लिया हुआ है। टमाटर डालते ही हम डालेंगे इसमें नमक जिससे कि जल्दी से भून जाए। मसालों को भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे लगातार हम चलाते हुए भूनेंगे, बीच बीच में हम ढकते रहेंगे, इसे चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाले सूख चुके हैं। अब हम डाल देंगे हरी मिर्च भी कटी हुई और इसी के साथ हम सूखे मसालों को डालेंगे। इसमें सूखे मसालों में हमने 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर, ये छोटा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है जिससे कि हमारे जो सब्जी का कलर है वो काफ़ी ब्राइट सा है। तो इस तरह से हम मसालों को मिक्स करते हुए भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं, अब हम उबले हुए गट्टों को इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम फिर से एक बार चलाते हुए इसे भूनेंगे। तो मसाला सूख चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, जितना ग्रेवी रखनी हो ठीक उस हिसाब से पानी आप डाल लीजिए, क्योंकि ये बेसन के बने हुए हैं तो पानी थोड़ा सा ये सूखेगा, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कितनी पतली आपको ग्रेवी रखनी है। अब 4 से 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। अब कटी हुई हरी धनिया से इसे हम गार्निश कर लेंगे और लास्ट में हम डालेंगे ये गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। फिर से एक बार ढक देते हैं जिससे कि सब कुछ एक सार सा हो जाए। और ये देखिए हमारी गट्टे की सब्जी रेडी है, इसे हमने गार्निश कर लिया है धनिया से। तो अगर आपको ये हमारे गट्टे की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।